2024 का सपना देखते हैं और नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर तक खुद ही आप कह रहे थे कि हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। देखिए, मनगढ़ंत कहानी है या क्या है? अगर मनगढ़ंत कहानी है तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएं कि मुख्यमंत्री जी लगातार क्यों बोल रहे हैं। फिर पहले भी उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी चलाए हैं, पार्टी बनाए हैं, पार्टी बढ़ाए हैं, चुनाव लड़े हैं, तो कहीं ना कहीं गठबंधन में जाएंगे। हम लगातार पार्टी की मजबूती की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातों पर माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि पार्टी जो है, यानी कि जेडीयू जो है, वो लगातार कमज़ोर हो रही है और कई बार वो अपनी बात को रखने का प्रयास करते रहे लेकिन उनकी बातों को सुना नहीं गया। जिस तरीके से हाल में हुए उपचुनाव में भी जेडीयू की हार हुई, उसके बाद वो कई दफावा पार्टी के अंदर कहते रहे हैं कि पार्टी को अब सीरियस तरीके से काम करना चाहिए। और साथ ही एक बार फिर से उन्होंने कहा कि क्या डील हुई है आरजेडी के साथ, ये भी खुलासा जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जल्द से जल्द कर देना चाहिए। इस बीच जब पटना से दिल्ली रवाना हो रहे थे पप्पू यादव ने उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर तंज कसा है। वो कह रहे हैं कि बैक जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को चाहिए कि वो एमएलसी का पद जो है वो छोड़ दें। इसके अलावा भी बहुत कुछ कहते नजर आ रहे हैं पप्पू यादव उपेंद्र कुशवाहा पर। पूरा बयान पप्पू यादव का अब सुनिए। सबने कह दिया है, सबको राजनीति करने का अपना शौक है, बीजेपी हमेशा बैकबोन पीछे से खेलती रहती है, चुट्टी काटती है, हमेशा बीजेपी अपना धंधा करती रहती है, ये आप इसको ऐसे समझ लीजिए। बीजेपी का कोई काम नहीं है, बीजेपी का काम है जदयू का सबको तोड़ लो, अलग अलग तीन कोना में चुनाव लड़ो, त्रिकोणात्मक चुनाव हो। बीजेपी का काम है क्या? त्रिकोणात्मक चुनाव, या डायरेक्ट चुनाव नहीं होना चाहिए, या वो तोड़ेगा ना, खोड़ेगा नहीं। ये उपेंद्र कुशवाहा जी को इतनी ताकत, या पहले भी उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी चलाए हैं, पार्टी बनाए हैं, पार्टी बढ़ाए हैं, चुनाव लड़े हैं, तो कहीं ना कहीं गठबंधन में जाएंगे। तो पहले तो उपेंद्र जी जो बोलते हैं मंत्रिमंडल छोड़े फलना छोड़े, यदि मॉरल ताकत है तो विधान परिषद छोड़ दे, तो लॉलीपॉप है एमएलसी पर भैया, तो उनको छोड़ देना चाहिए। मंत्रिमंडल छोड़े नहीं, मंत्रिमंडल हटाए गए, समझे? उनको कहा गया था कि छोड़ दीजिए, उन पर कई तरह के आरोप लगे थे। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस जैसे राजद में सुधाकर है ना, वैसे यहाँ है, और इन लोगों पर दया करने की जरूरत है। अब मैं यह नहीं कहूंगा कि किसी की जमीन नहीं, किसी का पगार नहीं, सबको सब कुछ रहता है, किसी को कमजोर नहीं आंकना चाहिए, लेकिन उपेंद्र जी ने जल्दीबाजी की है। उपेंद्र जी को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। जब एक बार आप 2024 का सपना देखते हैं और नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर तक खुद ही आप कह रहे थे कि हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, अब मरते दम तक अब हम दोनों भाई अलग नहीं होंगे, आप वो वादा क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर बनाने वाली बात क्या हुई? सो ऐसा कौन सी बात आ गई? तो वो प्राइम मिनिस्टर बनते तो आप डिप्टी सीएम या सीएम बन जाते, हर बारी किस बात की थी?